हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक ट्रिप पे जाने वाली हूँ, हम सब सिस्टर्स, और मैंने आपको आउटफिट दिखाए थे। और उस वीडियो में ये भी बताया था कि एक वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, पैक विद मी। और अभी मुझे फटाफट से अपनी पैकिंग करनी है क्योंकि नाइट में फ्लाइट है, लेट नाइट, और मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ। और अभी कुछ भी पैकिंग नहीं की, सिर्फ उस दिन जो मैंने व्लॉग में आपको दिखाए थे सारे आउटफिट मैंने डिसाइड किए हुए हैं कि जो आउटफिट मैं लेके जाऊँगी सिर्फ वो मैंने निकाले हैं, अदर किसी भी आइटम की कोई पैकिंग नहीं की है। तो फटाफट से पैकिंग करते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें पैक कर रही हूँ, और ये बात में रिवील करेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको मैं पैक करना स्टार्ट करूँगी। अपने बीच आउटफिट अलग करूँगी और पार्टी वेयर अलग करूँगी, नाइट ड्रेसेज अलग करूँगी। तो इस टाइप से कैटेगरी वाइज करके अच्छे से इनको पैक करेंगे। उस दिन जो मैंने ब्लॉग बनाया था उस दिन तो मैंने आप सबको ये दिखाए थे कि ये आउटफिट मैं लेके जा रही हूँ। देन उसके बाद सब पे मैंने प्रेस करवाई अच्छे से और देन रख दिए थे ट्रॉली बैग में। अब इनको मैं अच्छे से पैक करूँगी। तो इस टाइप के ये मेरे पास सारे पैकिंग क्यूब्स हैं, जैसे मैं ट्रैवल करती रहती हूँ तो उसके लिए मैं मंगा के रखती हूँ ये पैकिंग क्यूब्स। तो इनमें अलग अलग करके सारे मैं अच्छे से पैक करूँगी। तो एक मैंने कर दिया है ये छोटे वाले में, इसमें मैंने सारे अपने स्विमवियर रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उस दिन मैं ये वाले नहीं दिखाए थे आपको, ये वाले सेट रखे हैं। एक मैंने ये बिकनी सेट रखा है, मेरा काफ़ी पुराना है ये, मैंने कब लिया था ये मैंने 17 में लिया था जब मैं थाईलैंड गई थी। ये मेरा फर्स्ट बिकनी सेट है जो मैंने परचेज किया था। देन एक मेरा ये है और एक मेरा ये है, एक मेरा ये है जो मैंने अचानक से लिया, और एक ये वाला सेट। तो ये वाले मैंने अलग से, जो स्विमवियर है वो अलग से मैं पैक कर देती हूँ। तो इसमें मैंने रख लिया अपने सारे स्विमवियर और जी इसमें मैंने रखी हुई है अपनी सारी पार्टी ड्रेसेस, मैं आपको दिखा देती हूँ जो उस दिन मैंने दिखाई थी। ये वाली मैंने आपको दिखाई थी और एक ये ब्लैक वाली मैंने आपको दिखाई थी, और एक ये ब्लैक स्कर्ट, ये तीन ही मैंने रखी हैं पार्टी ड्रेसेस। तो पार्टी ड्रेसेस मैंने अलग कर ली, इन तीनों को अलग कर लेते हैं। और देन ये जो सबसे बड़े वाला पैकिंग ट्यूब है इसमें मैं लगाऊंगी अपने सारे कैजुअल आउटफिट, जो मतलब मैं डे टाइम पे वियर करूँगी। तो उसमें सबसे पहले लगा रही हूँ मैं ये वाला सेट, ये भी आप देखो प्रेस होके कितना अच्छा हो गया। ये मैं एसन से लाई थी, वॉश किया अच्छे से, प्रेस किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसमें सारे कैजुअल आउटफिट हो गए, ये आ जाएगा ऐसे। अगर मैं 7 नाइट के लिए जा रही हूँ तो मैं 7 अपनी नाइट ड्रेसेज रखती हूँ, 6 के लिए जा रही हूँ 6। बट अब की बार सामान बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम सिस्टर्स ही जा रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो जाए। तो मैंने रखी है एक ये वाली रखी है, एक जो मैंने न्यू मंगाई थी मैंने ये रखी है, एक मेरे पास ये वाली वो ड्रेसेज जो मैं आपको बता रही थी नाइट ड्रेस जो मैंने ETC से ली है, ये बहुत अच्छी है शॉपिंग में, एक मैंने ये रखी है। और एक ये नाइट ड्रेस नहीं है, ये 100% कॉटन में है, मैंने जनपद से लिया था, मैंने ऋषिकेश में वेयर किया था कॉर्सेट, बट एक होटल में है तो इसको मैं एज ए नाइट ड्रेस ही वेयर करूँगी। साथ में ये स्टोन रख लिया मैंने धूप से बचने के लिए। तो ये वाले हम अलग से कर लेते हैं। तो इस मेरे इनर वियर रहेगी, तो इस वाले में मैं इनर वियर रखूँगी अपने सारे। ये मैं 5-6 सेट रख रही हूँ, 1, 2 and 3 अच्छे से रख लेते हैं, 4 ये मैंने एक ट्रांसवेयर एक्स्ट्रा रख लिया, 4 and 5 और एक मैं वियर करके जाऊंगी 6। तो ये हो गए मेरे इनर वियर, ये हम कर लेते हैं अलग। तो ये हो गए मेरे सारे आउटफिट कॉर्सेट। मुझे इनके साथ के क्या देखना था, मुझे इनके साथ के फुटवेयर देखने थे। अभी रखते हैं फुटवेयर, ये मैं आपको दिखाई देती हूँ मैंने कौन से रखे हैं। ये मुझे मैंने जब से खरीदे ना, मैंने आई थिंक एक बार ही पहने हैं, ये ऐसे ही रखे हुए हैं। आज मेरा ना बार बार ध्यान मेरे बालों पे जा रहा है। तो ये वाले शूज मैंने रखे हैं, नाइट में बहुत अच्छे लगते हैं। इनको मैं लास्ट टाइम भी शायद ले गई थी, हाँ लास्ट टाइम भी ले गई थी, तो मैंने इनको लिया नहीं किया पता नहीं। तो पिंक वाले में पैक करते हैं पिंक, ये वाले स्लाइडर एविएटर ये मैंने लिए हैं। और इनका ये देखो आप,
जबकि उनका टैग भी ऐसे ही है, मुझे था कि शॉपिंग हॉल आप सबके साथ शेयर करूँगी बट मैं कर नहीं पाई। तो एक है ये, इसको भी बंद कर देते, मुझे लग रहा है कि मेरे वाले मेरा कितना वेट है, 15 kg वेट है सिर्फ, और ये हो जाएगा ज़्यादा। ये सूज 3, एक ये हो गए 4, और एक मुझे रखने पड़ेंगे स्लाइडर वॉशरूम वगैरह के लिए, तो वहाँ के स्लाइडर देते हैं। तो एक मुझे लग रहा था कि मैं कब रख के ले जाऊंगी सामान, बट सामान मेरा बहुत ज्यादा हो गया। ओके जी, इसको एक तरफ कर देते हैं। इसमें मैं सारा सामान अपना टॉयलेटरीज का रखूंगी। ये मेरा ब्रश है जो घूमने के लिए मेरा हमेशा ऐसे ही पैक रहता है, अलग से मैं रखती हूँ। ये मैंने एक शावर कैप रखी है, कुछ शैम्पू के मैंने शैसे रखे हैं, ये ब्रांड रखा है, ये फेशियल ब्रश रखा है, स्किन का थोड़ा केयर करने के लिए ये फेस रखा है। तो ये मैं फेस वॉश रखी है, मुझे फ्री मिला था 2-10 kg का, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का। ये रख रही हूँ, ये मैं बॉडी ऑयल रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मैं स्विमिंग से पहले ही यूज़ करती हूँ, इतना फिनिश हो चुका है। ये रख रही हूँ, देन ये हेयर सीरम रख रही हूँ, बॉन्डिंग कौन सा था, ये बॉन्ड रिपेयर, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इतनी बड़ी बोतल है, बट रख ले इसको। और ये इसमें बॉडी वॉश, टेलकॉम हो गया पार्टीशन करने के लिए, ये बस कॉम हो गया, तो या दैट्स इट। बॉडी वॉश सिस्टर रखेगी, उससे ले लूँगी, सारी गई मेरी टॉयलेट चीज। ओके, इसको एक तरफ रख देते हैं, ये हो गया मेरा, क्या हो गया टावल शैम्पू के बाद यूज करने के लिए, ये मैंने अम्ब्रेला रख लिया। ओके जी, और ये मैंने फ़ोन के लिए फ़ोन कवर रख लिया, ये सॉक्स रख लिया। कैप के साथ मैं एक ये बनाना रख रही हूँ, ये H&M से लिया था मैंने, 2 कैप हो गई और एक ये हो गया, ये भी मैंने H&M से लिया रख लिया है। इसको रखते हैं अभी, किस चीज़ में रखेंगे, इसको भी अलग कर देते हैं। और बैग में रख रही हूँ मैं, एक ये वाला बैग रख रही हूँ, एक ये वाला बैग रख रही हूँ, एक मैं ये फैनी पैक रख रही हूँ, इसमें मेरा पोर्टेबल चार्जर भी है, और बैग में एक ये वाला बैग रख रही हूँ, और मे भी एक मैं ये वाला बैग रखूँगी। तो ये बैग रखती है, मुझे नहीं लगता मेरा सामान आएगा, और पोर्टेबल चार्जर। और अब रखनी है मुझे ज्वेलरी, ज्वेलरी में एक मैंने ये बॉक्स बना लिया, इसमें मैंने ये प्रियाशी ब्रांड से मुझे कुछ मैंने मंगाया था, तो उसमें एक मैंने ये H&M से लिए थे, ये रख लिया अच्छे से पैक करके। एक मैंने पार्टी के लिए दिखाती हूँ मैं, एक मैंने ये रखा जो मैंने H&M से लिया था, एक मैंने ये वाला रखा, बहुत अच्छा लगता है, और एक मैंने पार्टी वेयर ये रखे हैं, और एक मैंने ये रखे हैं, और एक पेयर मैंने ये रखा है। तो ये सारे थोड़ा पार्टी वेयर हैं, तो इनको मैं अलग कर देती हूँ, इसमें रखूँगी, जिससे इनकी जो शाइन है वो ख़राब ना हो ना। तो ये वाले रख दिए मैंने इस डब्बे में, और ये सारे ज्वेलरी रखूँगी मैं इस वाले बॉक्स में, तो ये आराम से ना इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा मैं ये कुछ सिल्वर नेक पीसेस रख रही हूँ, एक मैं ये बंजारा नेक पीस है ये रख रही हूँ, और क्या रख रही हूँ मैं, ये तो बिल्कुल मेरे पेट हैं, ये तो मैं बाली में लेके गई थी, मैंने एसन से लिए थे 50-50 rupees के, ये वाला, और ये शेल्फ वाला, ये मैंने कहाँ से लिया था, ये मैंने थाईलैंड से लिया था, और ये वाले शेल्फ में उसके साथ बहुत अच्छे से जाते हैं, अपने बाली में भी देख लो, मेरे को तो मैं लेके जाती हूँ। ये मैंने एसन से लिए थे, एक ये एंकलेट है, और एक ये है बीट्स वाला, और ये है। तो ये हो गई सारी ज्वेलरी जो मैं इसमें रखी,
और पार्टी के लिए एक मैं अपनी ये रिस्ट वॉच रख रही हूँ, ये मैं पहन के जाऊँगी और अपनी स्मार्ट वॉच लेके जाऊँगी। ये दो ब्रेसलेट रख रही हूँ, तो ये दोनों ब्रेसलेट और मुझे लग रहा है कि रिंग लाइट का ना थोड़ा लाइट मुझे कम करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रही है मेरे फेस पे, है ना, कुछ रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, अभी भी ऐसे आ रहा है, पास आती हूँ तो ठीक आता है। तो ये मैंने रख लिया इसमें, इसको इसमें ये हो गई सारी ज्वेलरी। देन ये एक मैंने अपना टॉवल रख लिया और हेयर के लिए मैंने दिखाया था जो मैंने रख लिया है। अब सिर्फ रह गया मेरा मेकअप और स्किन केयर। इसमें रख रही हूँ मैं मेकअप। मेकअप में ये सारे ब्रशेज मैंने रख लिए हैं क्योंकि अगर ऐसे डाल देती हूँ ना तो सारे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो इसमें मैंने अपने सारे के लिए पाउडर ब्रश, ब्लश के लिए और ये आईज के लिए ये सारे ब्रश रखे हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे ज़रूरत इनकी होगी। तो ये सबसे पहले मैंने ये रख लिया। ये ये सेटिंग स्प्रे है विद हाइलाइटर, ये मैंने नाइट के लिए रख लिया। ये कंट्रोल करने के लिए ये मस्कारा, आईब्रो पेंसिल, ये वाइट काजल, लिप एंड चीक टिंट, लिप ग्लॉस, ये दो लिपस्टिक और कॉम्पैक्ट और आई शेडो भी रख ली थी। ब्यूटी ब्लेंडर और इसमें मैंने काजल मेरा फिनिश हो गया। काजल मैंने इसलिए नहीं रखा, सिस्टर से ले लूँगी। और फाउंडेशन या बीबी क्रीम मैं नहीं रख रही हूँ, फाउंडेशन भी मेरा फिनिश है, वो मैं सिस्टर से ले लूँगी। तो दो चीज़ें इसमें मैंने नहीं रखी। अब रह गया मेरा स्किन केयर। तो इसमें मैं क्या रख रही हूँ, एक मैं ये लोटन की क्रीम रख रही हूँ, मेरे ख्याल से इतनी सफिशियंट होगी मुझे। ये मैं फोक की परफ्यूम रख रही हूँ, कॉस्टली बॉडी मिस्ट या परफ्यूम कुछ नहीं रखूँगी। एक मेरा सन्स की परफ्यूम रख रही हूँ, वाइटामिन सी सीरम, सनस्क्रीन दो रख रही हूँ मैं क्योंकि सनस्क्रीन बहुत लगता है गर्मी है। और ये मैं हेयर सीरम रख रही हूँ, ये कैप्सूल टाइप है, ये मैं बाली से लेके आई थी, विटा कैप इसमें सीरम है। एक कैप्सूल तोड़ो, सीरम निकालो, अप्लाई कर लो। और ये मैं रख रही हूँ लिप बाम, और ये मैं रख रही हूँ ऑर्डिनरी का पिलो मास्क, एंड ये मेरा टोनर, और ये मेरा मेकअप रिमूव करने के लिए, और कोकोनट ऑयल मैंने सिस्टर को बोल दिया है वो रख लेगी क्योंकि मेरा सामान हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये सारा हो गया मेरा स्किन केयर। स्किन केयर में मेरा कुछ रहा तो नहीं, स्किन केयर ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। दो चीज़ें मैंने और ऐड की है, दो नहीं तीन। एक मैंने रखा है, ये मैंने दो शीट मास्क रखे हैं, ये मैं भूल गई थी रखना। और एक मैंने ये न्यू लिप लाइनर मंगाया है, इसका भी मैंने अभी तक खोल नहीं शेयर किया, बहुत अच्छा शेड है ये बाद में। और ये कुछ रखे हैं मैंने स्पोर्ट पैचेस, क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि मुझे पिंपल आ जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें और मैंने इसमें ऐड की हैं। तो इसको लगा देती हूँ, ये बैग हो गया डन। और इसमें रख रही हूँ मैं इसका टैग भी थोड़ा मैं सबसे यूज कर रही हूँ इसको। इसमें रख रही हूँ मैं अपने एयरपोर्ट के लिए सामान, मतलब इसको एक्स्ट्रा रख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इसका वेट ज़्यादा हो गया, तो अगर सामान कुछ एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि मेरे पास केबिन बैग मैंने अलग से नहीं रखा है, तो 7 kg है केबिन के लिए, चेक इन में चला जाएगा, तो इससे सामान निकाल के मैं इसमें रखूँगी। तो वैसे बैग में ये कैरी करूँगी, तो अभी ऐसे ही रख रही हूँ और मैं बाद में करूँगी। ये रख रही हूँ, ये मेरे गॉगल्स है, ये मेरा वॉलेट, ये हो गई पोर्टेबल चार्जर, ये ट्राइपॉड, ये ब्लॉग बनाऊँगी, और ये वैसे ही है ग्लासेस मतलब पावर के नहीं है, ये टॉयलेट सीट सैनिटाइजर, लिप बाम, ये लिप ग्लॉस, ये बॉबी ब्राउन का है, और ये इसका अलीगाई बहुत अच्छे लगते हैं मुझे दोनों, एक रबड़ बैंड, और ये मैंने सैनिटाइजर, हैंड क्रीम, और देन माउथ फ्रेशनर।
ओके okay, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। टिकट वगैरह सिस्टर ने रख ली है, तो ये हो गया मेरा एयरपोर्ट बैग। तो बस ये थी सारी पैकिंग जो मैं कर रही हूँ, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ कुछ आइडिया आप लोगों को हो गया होगा, बट इसको नेक्स्ट वीडियो में जो ब्लॉग मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, ब्लॉग में ये रिवील करेंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत अच्छा, फिंगर क्रॉस्ड हम लोगों का आई होप ये ट्रिप रहे। और बस दैट्स इट। और अभी 11 बज गए हैं, मैं ऑफिस से आई थी, पार्लर गई, पैकिंग की, ये सारा सामान किया, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, तो अभी ये सारा सामान मैं रखती हूँ और अब होती हूँ मैं रेडी, और आपको मिलूंगी मैं अब ब्लॉग्स में। सो टिल देन बाय, गुड नाइट।